खुद से ही खुद की शादी, ओ माई गॉड। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना है, आजकल दुनिया एकदम एक अलग ही लेवल पर जा रही है। एक विवाह ऐसा भी शादी में ना दूल्हा होगा ना बारात। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हम सब फिर बिगड़े हुए नवाब हैं, पढ़ लो हमें, हम तो खुली किताब हैं, हड्डी भी हम हैं और हम ही कबाब हैं। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। जो सुंदर लड़की आपको दिख रही है ये इन दिनों काफी चर्चे में है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो आइए ज्यादा देर न करते हुए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले मैं हूँ आपका मित्र आकाश कुमार, और ये जो आपको लड़की दिख रही है गुजरात के बड़ोदरा शहर की रहने वाली 24 वर्षीय क्षमा बिंदु इन दिनों बहुत चर्चे में है। इनकी कल ही शादी हुई है। दुल्हन का जोड़ा, हाथों में चूड़ा, हथेली में लगी मेहंदी और मांग में सजी सिंदूर, क्षमा बिंदु जो कि खुद से ही खुद को शादी कर चुकी है अब। Oh, no! आपको सुनने में बहुत अजीब जैसा लग रहा होगा, आपको हंसी भी आ रही होगी, लेकिन ये सत्य है। आज हम इसी के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, बस आप सिर्फ अंत तक बने रहिएगा। 24 वर्षीय क्षमा बिंदु, इनकी शादी में कोई दूल्हा नहीं था, इनकी शादी में सब कुछ वैसा ही था जैसा कि हिंदू रिवाज के शादियों में अक्सर होता है। सिर्फ नहीं था तो वो दूल्हा, और नहीं थे तो वो पंडित जी। गुजरात में संभवतः, या हम पूरी भारत की ही बात कर लेते हैं, यह पहला आत्मविवाह या एकल विवाह है। एकल विवाह पे मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, और एकल विवाह को भारत में अभी फिलहाल कोई मंजूरी नहीं है। शादी करके बड़ी खुश दिख रही है लड़की, एकदम खुशी जीवन बिताएगी। क्षमा का कहना है कि वो कभी किसी से शादी नहीं करना चाहती थी। क्षमा की इच्छा थी कि वो किसी से शादी के लिए बिना दुल्हन बने ही शादी करे, और अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए खुद से शादी करने का फैसला किया। ऐसे तो 11 जून 2022 को इनकी शादी होने की खबर मिली थी, लेकिन उन्होंने विवादों से बचने के लिए और शादी में कोई रुकावट न आए, इसी वजह से कल ही दिनांक 8 जून 2022 को अपने निजी आवास पर ही अपने कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच खुद से ही शादी रचा ली है। खुद से शादी करने की वजह बताती हैं कि वो कभी खुद से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो दुल्हन बनना चाहती थी, उनका सपना था दुल्हन बनने का, इसलिए उन्होंने खुद से ही शादी करने का फैसला किया। क्षमा ने कहा था कि वो 11 जून को मंदिर में जाकर शादी करेंगी, इस बात पर उनके परिवार भी सहमति दे चुके थे, लेकिन कल उन्होंने खुद से खुद की ही मांग में सिंदूर भरी और साथ फेरे भी लिए, उसके बाद मंगलसूत्र भी डाले। देखा गया है लोग अक्सर उस इंसान से ही शादी करते हैं जिनसे वो बहुत प्यार करते हैं। इनका कहना था शायद मैं खुद से ही प्यार करती हूँ, और मैं अपने देश में सेल्फ लव उदाहरण सेट करने वाली पहली लड़की होंगी। आप इस वीडियो के बारे में नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आगे आप देखिए इनकी थोड़ी न्यूज रिपोर्ट। पूरी दुनिया को पता था मेरी शादी 11 को होने वाली है, तो मैं बहुत अनश्योर थी 11 को शांति से मेरी शादी हो पाएगी। हवन कुंड जलाते हुए मैंने खुद को सिंदूर लगाया, मंगलसूत्र पहनाया, वरमाला पहनाया, मैंने फेरे लिए शादी के बाद खुशी से, और मैं बहुत कंप्लीट फील कर रही हूँ। मैं जेंडर इक्वेलिटी में बहुत मानती हूँ। मुझे इतना पता है कि मुझे किसी की बीवी नहीं बनना है। यूट्यूब से जो शादी के मंत्र होते हैं वो मैंने ब्लूटूथ से बजाए थे। अच्छी बात है, क्या हुआ कुछ बचा ही नहीं। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया सत्यनाश।